पर्यावरण प्रदूषण। इस वीडियो में पर्यावरण के घटक एक दूसरे पर निर्भर होना, वन संरक्षण, वृक्षारोपण और वन्य जीवों की सुरक्षा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अरे सवाली, वो देखो पेड़ पर चिड़िया का घोंसला। हाँ खोजी, चलो चल के घोंसले के बारे में दीदी को बताते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। दीदी, स्कूल में मैंने पेड़ पर चिड़ियों का घोंसला देखा। तो देखा बच्चों, हमारी तरह चिड़िया भी पेड़ पर निर्भर है। वो भला कैसे दीदी? समझाती हूँ। पेड़ पौधों से हमें लकड़ी, रेशे आदि मिलते हैं, जिनसे हम कपड़े, खटिया, लकड़ी की अलमारी आदि बनाते हैं। और क्या मिलता है हमें पेड़ पौधों से? फल, फूल। तो हुए ना हम पेड़ पौधों पर निर्भर। इसी तरह पेड़ में चिड़ियों को घोंसला बनाने के लिए जगह मिली तो वो भी हुए पेड़ पर निर्भर। और दीदी, कीट पतंगे, चमगादड़ और बंदर, ये भी तो पेड़ों पर ही रहती हैं। अच्छा बताओ कि पेड़ों को उगने और बढ़ने के लिए क्या चाहिए? दीदी, पेड़ों को पानी, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश चाहिए। बिल्कुल ठीक खोजी। तो मनुष्यों और जंतुओं को पेड़ पौधे चाहिए और पेड़ पौधों को पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश चाहिए। इस तरह पर्यावरण के सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। लेकिन संपर्क दीदी, पेड़ पौधे जंतुओं पर कैसे निर्भर करते हैं? बच्चों, अब पेड़ पौधे खुद तो चल फिर नहीं सकते ना, लेकिन जंतुओं के शरीर पर चिपक कर कुछ बीज और फल एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाते हैं। इसे प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहते हैं। इसके अलावा जंतुओं से मिलने वाले गोबर से खाद आदि भी बनाई जाती है, जो पेड़ पौधों को बढ़ने में सहायक होती है। तो अब समझे सभी घटक एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? हाँ दीदी, अब समझ में आया। अच्छा बच्चों, जरा सोचो और बताओ कि यदि सारे पेड़ खत्म हो जाएं तो क्या होगा? अरे दीदी, तब तो हम सबको समस्या होगी। तब तो हमें अनाज, फल, फूल मिल ही नहीं पाएंगे और जानवर कहाँ रहेंगे? सही कहा तुम सबने बच्चों। जानते हो, अपने उपयोग के लिए मनुष्य इतने ज्यादा पेड़ पौधे काटने लगा है कि जंगल खत्म से होने लगे हैं, जिसके कारण जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं के रहने की जगह भी खत्म होती जा रही है और उनको मिलने वाला भोजन भी। ये तो हमें पता ही नहीं था दीदी। बच्चों, अभी मैंने बताया था ना
कि पर्यावरण के सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर इन घटकों में से कोई न हो या कम ज्यादा हो या फिर काम का न हो तो हमारे पर्यावरण का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। काम का न होने का क्या मतलब संपर्क दीदी? उदाहरण से समझाती हूँ ये बात भी। चलो गांव की नदी के पास चलते हैं, वहाँ तुम सब समझ जाओगे। ये देखो, ये जो नालियों, गटरों और कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी देख रहे हो ना, ये नदी में जा रहा है और इससे उसका पानी गंदा हो रहा है। अब वहाँ ये लोग नदी के पानी में बर्तन और कपड़े धो रहे हैं और पशुओं को भी नहला रहे हैं, देख रहे हो ना दीदी? देखिए ना, ये साबुन और राख पानी में मिल रही है। तो क्या अब ये काम का रह गया? इससे तो पानी गंदा हो रहा है, अब तो ये काम का नहीं रह गया। हाँ खोजी, इस तरह जल का गंदा होना और नुकसानदायक हो जाना जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन कहलाता है। प्रदूषित जल से कई बार पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान होता है और अगर हम इस प्रकार के दूषित जल को पीते हैं तो हमें भी कई बीमारियां जैसे डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि हो जाती हैं। दीदी, तब तो गटर और फैक्ट्रियों का पानी नदी तालाबों में नहीं छोड़ना चाहिए। और नदी तालाबों पर कपड़े बर्तन धोना भी बंद कर देना चाहिए, है ना दीदी? हाँ सवाली। अब जरा उस ओर देखो बच्चों, उस सड़क की तरफ। ये वाहनों और कारखानों से निकलने वाला धुआं कैसे वायु में मिल रहा है? इस धुएं से बहुत सी विषैली गैसें होती हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं। इसे वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन कहते हैं। ये धुआं और बदबू कैसी? लगता है किसी ने कचरा जलाया है। देखो बच्चों, कचरे का जलना भी वायु प्रदूषण कर रहा है। दीदी, क्या हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, अगर हम कूड़ा कचरा न जलाएं, फैक्ट्रियों को गांव और शहरों से दूर बनाएं और इसके अलावा जंगलों की कटाई न करें, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, तो जंगलों और पेड़ों पर रहने वाले जीव जंतु तो सुरक्षित रहेंगे ही, साथ ही वायु प्रदूषण भी कम किया जा सकेगा। दीदी, आज तो बहुत उपयोगी बातें पता चली। तो चलो अब भूमि प्रदूषण के बारे में बताती हूँ। भूमि भी प्रदूषित होती है क्या दीदी? बच्चों, जब से फसलों की पैदावार ज्यादा करने के लिए इंसान अलग अलग तरह की रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे हैं, इन सब के ज्यादा प्रयोग से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। इस तरह भूमि प्रदूषित हो रही है, इसे लैंड पोल्यूशन भी कहते हैं। दीदी, इस भूमि प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं? हाँ हाँ सवाली, अगर खेतों में प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद आदि का उपयोग करें और कीटनाशकों के लिए नीम के तेल आदि का इस्तेमाल करें तो रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दीदी, यहाँ सड़क के पास कितना शोर है, चलिए अब वापस चलते हैं। सवाली, इस शोर को ही तो ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वो देखो, उन गाड़ियों के इंजन और हॉर्न बहुत शोर पैदा कर रहे हैं। तेज आवाज में बजने वाले संगीत से भी कानों पर बुरा असर होता है। ध्वनि प्रदूषण से सुनने की क्षमता कम होने लगती है।
ऐसा क्यों दीदी? क्योंकि हम इंसान एक सीमा तक ही ऊंची ध्वनि को सुन सकते हैं। यदि लंबे समय तक ऊंची ध्वनि के संपर्क में रहें, तो एक समय के बाद कानों में दर्द होने लगता है और हम सुनने की क्षमता भी खो सकते हैं। इसलिए अगर ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचना है तो हमें चाहिए कि हम इंसान ज्यादा शोर न करें। आया समझ में? हाँ दीदी। आओ अब वहाँ बैठते हैं, फिर मैं तुम सबसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। ठीक है दीदी। अच्छा बताओ कि सभी घटक एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर हैं? दीदी मैं बताती हूँ, एक बीज को मिट्टी, सूरज का प्रकाश और पानी मिला तो वो एक पेड़ बन गया है। पेड़ पर पक्षियों ने अपना घोंसला बनाया, जब पेड़ पर फल आए तो जानवरों को भोजन मिला, पेड़ की लकड़ियों से चूल्हे का ईंधन भी मिलता है। शाबाश सवाली। अब बताओ कि प्रकीर्णन क्या होता है? दीदी जब कुछ पेड़ पौधों के बीज और फल जंतुओं के शरीर पर चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाते हैं तो उसे प्रकीर्णन कहते हैं। बढ़िया। अब बताओ कि मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? ये तो मुझे पता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। और इनका उपचार क्या होता है? रुकिए दीदी मैं बताता हूँ। वायु प्रदूषण कम करने के लिए हम वाहनों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। पत्तियों को जलाने के बजाय जमीन में नीचे दबा सकते हैं। कचरे को बंद कचरे के डिब्बे में डाल सकते हैं। दीदी जल प्रदूषण कम करने के लिए गटर और फैक्ट्रियों का पानी नदी नालों में नहीं छोड़ना चाहिए, नदी तालाबों में कपड़े बर्तन धोना बंद कर देना चाहिए। और दीदी जैविक खादों का प्रयोग करें तो भूमि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। शाबाश बच्चों। और ध्वनि प्रदूषण का इलाज सिर्फ यही है कि हम अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले संसाधनों पर नियंत्रण रखें। लगता है तुम सब पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अच्छे से समझ गए हो।